मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्रा हसबैंड। और आज डेट बता देती हूँ आपको, आज है 14 तारीख, 14 जून है। और अभी मैं थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर सिस्टर से मिलने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने मम्मी के ब्लॉग में देख लिया होगा कि प्राची अभी बीकानेर आई है, तो बस उसी से मिलने के लिए, बच्चों से उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। हल्की फुल्की बस तैयार हो गई हूँ, तो चलिए वहाँ चल के मिलवाती हूँ सबसे। अगर वॉकिंग की तो आप लोगों को जरूर मिलवाऊंगी, तो चलिए चलते हैं फिर। फ्रेंड्स, अभी बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कुछ चिप्स वगैरह लेने के लिए हस्बैंड रुके हैं, दोनों के लिए कुछ ले लेंगे तो बच्चे खुश होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से चिप्स ले लिया, कोल्ड ड्रिंक ले ली, तो देखते हैं क्या मिल रहा है उस हिसाब से ले लेते हैं बच्चों के लिए और फिर निकलेंगे आगे। और आज जैसा कि मंडे है तो वीकेंड कर्फ्यू जो था वो हट गया था, तो सभी लोग आ रहे थे जा रहे थे अपने काम से। और टाइमिंग जो है आने जाने की यानी कि आवागमन की, वो 5 बजे से, सुबह 5 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक की है। और मार्केट भी इसी तरीके से 4 बजे तक ओपन रहता है। और ये देखिए, ये है मेरे मायके की जो गलियाँ हैं, और इन गलियों में भी मुझे आज भी अपनापन सा लगता है। लगभग 10 साल गुजर चुके हैं लेकिन आज भी वही अपनापन है। और यहाँ पर मैं बच्चों से मिलने के लिए आ गई थी घर पे एंट्री करते ही, और ये जो प्राची इनके लिए पपीज लाई है ना, उसके साथ बड़े ही खुश हैं दोनों। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी मौसी आई हुई है। मौसी अभी वहाँ पे लेटी हुई थी, असल में बात ये है। और ये मम्मी खुद के व्लॉग में आए कर रही है। ये नानी, और यहाँ पर बच्चे लोग ना एमी के साथ प्रैंक कर रहे थे, एमी के सामने जो है बेहोश होने की एक्टिंग कर रहे थे, तो वो बड़ी परेशान हो रही थी, वो सोची थी क्या हो गया। और वो जैसे ही अथक ने बेहोश होने की एक्टिंग की ना, तो वो किसी को भी उसके पास नहीं आने दे रही थी, खुद ही बस परेशान हो रही थी और उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। फिर ईलू ने भी बेहोश होने की एक्टिंग की, उस वक्त भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और सबको मतलब डांट रही थी कि इसके पास मत आओ, मैं ही उठाऊँगी इसे। तो एमी को ना बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है, जैसे बच्चों को एमी से लगाव है, ठीक वैसे ही एमी को भी इन दोनों से बहुत ज़्यादा लगाव है। और उसके बाद मम्मी ने नाश्ते वगैरह की तैयारी कर रखी थी, मैंगो शेक बना रखा था, कचौड़ियाँ वगैरह मंगवा के रखी थी, नमकीन कचौड़ी वगैरह। और फिर खाने की भी मम्मी तैयारी कर रही थी, तो मम्मी और प्राची यहाँ पर खाना बना रही थी, तो मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ले रही थी। ज़्यादा तो मैं वहाँ पर वीडियो शूट नहीं करती हूँ, मम्मी के घर जाती हूँ तो बस मैं छोटी छोटी क्लिप्स आप लोगों के लिए ले रही थी। और ये इवनिंग टाइम हो चुका था, मैं मम्मी के घर से आ चुकी थी, दोपहर में ही आ गई थी, तो बस मैं खाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ घिये कोफ्ते, यानी कि लौकी के कोफ्ते बना रही हूँ आज, ऐसे ही पकौड़ी के स्टाइल में, बस घिया कद्दूकस करके मैंने बेसन में डाल करके इनके मतलब कोफ्ते बना लिए थे, अदरवाइज मैं कोफ्ते स्टाइल बनाती हूँ। तो बस इनको तल के फ्राई करके निकाल रही हूँ, और मैंने पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है, बस फटाफट से बना रही थी। और थकान भी इतनी हो रही थी कि मेरा मन नहीं था रेसिपी वगैरह शूट करने का, तो बस सब्जी मेरी बन चुकी थी। तो यहाँ पर मैं पुदीना लेने के लिए आई थी, और पुदीना मेरा अब लगभग ख़त्म हो चुका है यूज़ कर करके। तो ये देखिए मेरे लौकी के कोफ्ते हैं जो तैयार हैं। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, यानी कि ये मंगलवार की क्लिप है। मंडे को बस मैंने उतना ही शूट किया था, उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया था। तो बस मैं आपको मौसम दिखा रही थी कि आज हमारे यहाँ पे बड़ा ही अजीब सा मौसम हो रहा है, धूल भरा सा माहौल हो रहा है, पूरा जो आसमान है वो भी धूल भरा है।
और आज है नेक्स्ट डे। कल मैंने फिर कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी, थकान सी हो रही थी और मन भी नहीं हो रहा था ब्लॉगिंग करने का, तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। आधे से ज़्यादा ब्लॉग तो कल बना ही रखा था मैंने, तो मैंने सोचा चलो मैं अभी कंटिन्यू करती हूँ। आज आप मौसम देख सकते हैं कैसा अजीब सा मौसम हो रहा है, और मतलब जो रिकॉर्ड है जिस दिन मैं अच्छे से साफ सफाई वगैरह करूँगा उस दिन तो आंधी तूफान आना ही आना है, पता नहीं क्या दिक्कत है। अब कल वापस से लग कर सफाई करनी पड़ेगी। मैंने आज बालकनी वगैरह सब अच्छे से साफ की थी, लेकिन सारी मेहनत पर जो है पानी क्या धूल फिर गई है, बारिश आती तो पानी फिर जाता, और अब देखिए आप आंधी आ रही है, सारे में मिट्टी मिट्टी हो चुकी है, वापस से सफाई करनी पड़ेगी। और खाने वगैरह का भी अभी काम है, मशीन लगाई थी कपड़ों तक में मतलब मिट्टी भर गई, आपको दिखाती हूँ अभी ये देखिए कपड़ों तक में मिट्टी लग रही है, मतलब सफ़ेद है ना ये, तो इसमें इन सब में अजीब सी मिट्टी सी लग गई कपड़ों में, तो सारे तो कपड़े ख़राब हो गए, झटक झटक के इनको साफ़ करना पड़ेगा। आज मशीन लगाई थी, बेडशीट वगैरह मैंने फिर मशीन के अंदर डाल के रख दी एक बार, क्योंकि उड़ के ख़राब हो रही थी ये सारी बेडशीट वगैरह, नीचे गिर रही थी और मिट्टी लग रही थी इनमें, तो एक बार तो इनको मशीन में डाल दिया है। और ये आप देखिए सारे मैं आपको दिखाती हूँ, सारे में इस तरीके से देखिए मिट्टी मिट्टी हो रही है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, किचन में मैंने बर्तन वगैरह क्लीन किए ही थे, और फिर मैं बस बाहर का जो माहौल है वो देखने गई थी, इतने इतने में ना वापस से सारी किचन जो है धूल मिट्टी से भर गई थी। बर्तन साफ़ करके मैंने किचन को साफ़ किया ही था, लेकिन आई तब तक मैं देखा तो वापस से किचन धूल से भर चुकी थी, तो बस उसे ही साफ़ कर रही थी, क्योंकि धूल मिट्टी होती है तो हम कुकिंग वगैरह का काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, तो उसे साफ़ करना भी ज़रूरी हो गया था, और डबल मेहनत हो गई आज तो मेरी, क्योंकि पहले साफ़ की और 10-15 मिनट भी नहीं मैं बाहर रही होंगी किचन से, उतने में वापस से किचन जो है मेरी धूल मिट्टी से भर चुकी थी, तो बस एक बार इसे साफ कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, किचन मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ ढोकला। ढोकले के लिए सिस्टर प्री मिक्स बना के दिया था ना, वो ही यूज़ करूँगी, तो ये पूरा ही मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि आज खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो पूरे का बनाएंगे तो खूब सारे ढोकले भी बन जाएंगे और हमारा पेट भी भर जाएगा, और रात को भूख वगैरह लगी तो ब्रेड वगैरह ले लेंगे चाय के साथ। बनाते हैं ढोकले, आप भी प्रोसेस देख लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ दही ऐड करना है और स्टीम करना है इनको, तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बैटर तो तैयार है, बस इसमें पानी और दही ऐड करना होता है, कुछ भी ऐड नहीं करना होता है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरीके की होनी चाहिए, आप देख सकते हैं, और बस इन्हें स्टीम करना है और ये रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने मोल्ड जो है उन्हें भी अच्छे से एक बार धो लिया है, और अब इसे जो है हम थोड़ा सा ऑयल डालकर इन दोनों मोल्ड को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारे जो ढोकले हैं ना वो इसमें चिपके ना, और इजीली जब हम इन ढोकलों को निकालें तो इजीली निकल जाए, तो बस ऑयल या घी से आप किसी से भी ग्रीस कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैं बैटर इसमें ऐड कर दूँगी ढोकलों का, और साथ ही मैंने जो है स्टीमर यानी कि जिसमें हम इडली बनाते हैं ना उसी में ढोकला बन जाता है, ये टू इन वन जो होता है मल्टीपर्पज़ होता है ये इडली मेकर, तो इसको मैंने स्टीम करने के लिए रख दिया था, तो ये अब इसमें जो है भाप बन चुकी है, तो बस अब हम इसमें ढोकले हमारे जो है वो डाल देंगे, और 10 से 15 मिनट में ही हमारे ढोकले बनकर रेडी हो जाएंगे। मैंने ये जो ढोकलों के लिए पानी होता है मीठा पानी मिर्ची वगैरह का वो तैयार कर लिया है, और ढोकले भी अब हमारे बनकर रेडी हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। साफ आ रहा है चाकू बाहर, इसका मतलब ये रेडी है, एक बार ठंडे हो जाएं फिर इन्हें निकालते हैं, तब तक इन्हें एक बार ढक देते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे जो ढोकले हैं वो ठंडे भी हो चुके हैं, और ठंडा होने पर ही हमेशा निकालें, ढोकला हुआ, केक हुआ, अदरवाइज इनके टूटने का डर रहता है। तो ये देखिए कितने अच्छे ना स्पॉन्जी ढोकले बनकर रेडी हुए हैं, और बहुत ही टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छे थे, तो खाने में बहुत टेस्टी लगे। तो मैं भी सोचूं इसका जो ढोकला प्रीमिक्स है वो रेडी कर ही रखेंगे, जिससे फटाफट से हमारे जो ढोकले हैं जब मन हो तब बना लो। तो ऊपर से बस ये जो मीठा पानी बना के रखा ना, मिर्ची का, नींबू का, ये पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और थैंक्स टू प्राची कि उसने ढोकला प्रीमिक्स जो है वो बना कर दिया, तो उससे मेरा काम काफ़ी आसान हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।